गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे फोर्सेस के बारे में। और फोर्सेस के अंदर अपन ने काफी सारे, पहले तो अपन ने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा कि फोर्सेस से क्या क्या चेंज आता है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की स्टेट में क्या चेंज रहेगा, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में कैसे चेंज आता है, ऑब्जेक्ट के शेप में कैसे चेंज आता है, और इसी के अपन ने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे। आज क्लास को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद अपन ने देखा व्हाट इज फोर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या रहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। चलिए बच्चों, फटाफट अटेंडेंस के लिए एक बार हैंड राइज करो, फटाफट अटेंडेंस के लिए आप एक बार हैंड राइज करके बताएं, हैंड राइज करो बच्चों फटाफट, डू फास्ट। नाउ इन यस्टरडेज क्लास, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, contact and non-contact forces, ठीक है। किस किस के बारे में पढ़ा अपन ने, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। चलो वहां से अपन ने ये देखा कि कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ता है, दो सर्फेसिस को टच करके फिर ही अपन फोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ फोर्सेज आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और इसका पहला एग्जांपल देखा था अपन ने मस्कुलर फोर्स, क्या देखा था, मस्कुलर फोर्स। नाउ व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स मतलब जिसके अंदर अपन ने बॉडी के मसल्स के हेल्प से, इसके बॉडी के मसल्स के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को लगाने की कोशिश की। इसका एग्जांपल अपन क्या देखा, अपन ने जब आर्म्स और लेग्स, अपने आर्म्स और लेग्स के मसल्स के स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके different different objects को move किया, forces को apply किया, that type of forces known as muscular force, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके अंदर contact force के अंदर अपन ने देखा frictional force, क्या देखा, frictional force। now frictional force किस किस के बीच में act करता था, याद करो कल अपन ने पढ़ा था two rough surfaces के बीच में, two rough surfaces, जब ये surfaces एक दूसरे के contact में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, रब करते हैं, तो जब कोई फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ड्यू टू रबिंग और ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर सरफेस, ठीक है, जो फोर्स लगेगा उस टाइप के फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। फिर अपन ने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, अपन ने देखा था कि एक फुटबॉल चलते चलते ग्राउंड पे कुछ देर बाद क्यों रुक जाती है, बिकॉज कंटिन्यूअसली उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होता है। बच्चों याद रखने की बात ये है, आज अपन ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट टू मोशन लगता है, क्या लगता है, ऑपोजिट टू मोशन। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं, हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते हुए एकदम से बाइक के बटन के ऊपर ने ऑफ कर दिया, इग्निशन को ऑफ कर दिया, इंजन अब नहीं चल रहा, इंजन चल नहीं रहा है, That means अब आपकी बाइक की जो स्पीड है उसी पे ही बाइक मूव कर सकती है, उससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकती, इंजन को ऑफ कर चुके हैं। हम क्या देखते हैं, कुछ देर बाद बाइक ऑटोमेटिकली धीरे होती रहती है, धीरे होती रहती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई रुक जाए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों कि जब बाइक आगे मूव कर रही है तो रोड और टायर्स के बीच में देयर इज अ कॉन्टैक्ट, एक क्या रहता है, कॉन्टैक्ट रहता है। एंड मोशन क्योंकि आगे की डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन कहां लगता है, पीछे लगता है, कहां लगता है, पीछे। इसी चीज को आज अपन ने पढ़ाया दैट हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, फ्रिक्शन हमेशा उसको रोकने की कोशिश करेगा, ऑपोज करेगा, और इसीलिए अपन ने लिखा फ्रिक्शनल फोर्स is always opposite to motion. Frictional force is always opposite to motion. आप बोलेंगे सर एक और एग्जाम्पल बताओ मस्कुलर फोर्स का, मस्कुलर फोर्स क्या है, कि मतलब अपन अपने आर्म्स लेग्स और इन सब के पावर से, इस सब को पावर को यूटिलाइज करके कैसे अपन फोर्स अप्लाई कर सकते, तो इनको चेक करते हैं, ध्यान से देखते। आप सबने देखा है कि गुलक कार्ड्स होते हैं, गुलक कार्ड्स, इन कार्ड्स में क्या होता है, पीछे एक कार्ड रहता है, यहाँ पर एक
एक आदमी बैठा होता है, ठीक है, इधर एक आदमी बैठा होता है, और आगे क्या है, काउज या फिर कैमल्स या फिर बुलक्स, ये सब क्या कर रहे होते हैं, इसको खींच रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, इस कार्ट पे आगे जो काउज कैमल्स वगैरह है वो अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ से, वो अपने लेग्स के स्ट्रेंथ से इस कार्ट पे जो भी गुड्स है, इस कार्ट पे जो भी गुड्स है उसको खींच के आगे लेके जाने, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड बाई द एनिमल्स इन दिस केस इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगता है, जब कॉन्टैक्ट, ठीक है। मस्कुलर फोर्स में अपन ने देखा बुलॉक कर्ट्स, बुलॉक कर्ट्स किसका एग्जाम्पल है, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर मुझे एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मुझे उस हैवी ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा या तो पुल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा या तो पुल करना पड़ेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पुश करूंगा तो मुझे अपने बीच और ऑब्जेक्ट के बीच एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट, और मुझे अपने हाथ को उसके कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा, फिर मैं उस पर क्या लगा सकता हूँ, फोर्स लगा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माई मसल्स, क्लियर। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर, क्लियर। क्या समझना है बच्चों, याद क्या रखना है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मसल्स आर्म्स एंड लेग्स अपन ने क्या किया, पुश करना शुरू किया, फोर्स का एप्लीकेशन शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक दूसरे पे कॉन्टैक्ट करके क्या शो करते हैं, स्लाइडिंग स्लाइडिंग करना शुरू करते हैं, स्लाइड करना शुरू करते हैं, रब करना शुरू करते हैं, देन द फोर्स which is acting in the opposite direction to motion, which is acting in the opposite direction to motion, उस टाइप के फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या क्या एग्जाम्पल देखें, कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शनल एंड मस्कुलर। Now let us see the example of non-contact force, the example of non-contact force, पहला कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे अपन, मैग्नेटिक फोर्स, क्या देखेंगे, मैग्नेट क्या होता है, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट, कुछ इस तरीके से, वन इज नॉर्थ अदर इज साउथ, ठीक है। एंड दिस मैग्नेट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट metallic objects or metals, ठीक है, metallic objects और metals। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये objects कौन से होते हैं in further classes। अभी अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि this magnet has a tendency to attract metals। ये metals को अपनी तरफ attract करने की कोशिश करता है, clear? अब जब ये metals को attract करता है, जैसे मान लो आगे मेरे पास एक coin है, coin एक metal से बना होता है, ठीक है, कॉइन को जब अपन एक मैग्नेट के पास प्लेस करेंगे, एक मैग्नेट के पास प्लेस करेंगे, तो दिस मैग्नेट विल अप्लाई सम फोर्स ओवर दिस कॉइन, दिस मैग्नेट विल अप्लाई सम फोर्स ओवर दिस कॉइन, और ये कॉइन जो है ये कुछ देर बाद इस मैग्नेट से ऐसे चिपक जाएगा। इसका मतलब मैग्नेट ने फोर्स लगाया बट बिना किसी कॉन्टैक्ट के, देखो ये रहा मैग्नेट, मान लो दिस इज योर मैग्नेट, और मैग्नेट के पास कॉइन को अपन यहां ले आए, देखो देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, बट फिर भी ये कॉइन क्या कर जाता है, इससे आके चिपक जाता है। दिस टाइप ऑफ फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग ऑन द बॉडी और ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, नाउ दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसी का एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटिक। क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड बाय मैग्नेट्स ओवर मेटल्स, ठीक है, कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्लियर, किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, बाकी रिपल्सिव भी हो सकता है, अभी कुछ देर में ही उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स
किसकी वजह से लगा? मैग्नेट की वजह से लगा। किस पे लगा? मेटल्स। तो मेटल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी लगता है। क्लियर? इसके दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वन इज नॉर्थ पोल, वन इज नॉर्थ पोल, अदर इज साउथ पोल। वन इज नॉर्थ पोल, अदर इज साउथ पोल। ये चीज याद रखनी। क्लियर? सो व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसका पहला एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? Now, magnetic force can be attractive in nature. ठीक है, अपन यहाँ पर MF से शो कर रहे हैं that this is magnetic force. ठीक है, magnetic force can be attractive in nature. ठीक है, and can be repulsive in nature. Attractive मतलब attract करेगा, पास लाने की कोशिश करेगा object. रिपल्सिव मतलब दूर भेजने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ले आए, मैग्नेट क्या करेगा? उसे रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। नाउ किसके साथ अट्रैक्शन करेगा, किसके साथ रिपल्शन करेगा, उसको चेक करते हैं ध्यान से। देखिए, यूजुअली अट्रैक्शन के लिए ये कंडीशंस रहती है। देखिए ध्यान से, अभी अपन ने देखा, अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल चाहे और साउथ पोल, अगर किसी मेटल के पास ले आओ, किसके पास ले आओ? मेटल के पास। तो मेटल और मैग्नेट के बीच में हमेशा क्या देखने को मिलता है? अट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अट्रैक्शन। क्लियर? देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन मेटल्स एंड मैग्नेट्स। नाउ सेकंड नंबर, अगर मैं दो मैग्नेट्स पास पास ले आऊं, अगर मैं दो मैग्नेट्स पास पास ले आऊं, जैसे तो याद रखने की बात क्या है यहां पर? याद रखने की बात क्या है? जब भी मैं दो मैग्नेट्स को पास ले लूं, जब भी मैं दो मैग्नेट्स को पास लूं, तो कुछ पोल्स तो ऐसे हैं अट्रैक्शन शो करते हैं और कुछ पोल्स ऐसे हैं जो रिपल्शन शो करते हैं। हमेशा एक चीज याद रखनी है दैट अगर लाइक पोल्स हैं, अगर लाइक पोल्स हैं, क्या है लाइक पोल? लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स, तो पास ले लो, क्या शो करेंगे वो? रिपल्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? रिपल्शन। बट अगर मैं अनलाइक पोल्स को पास ले आऊं तो क्या शो करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे। दैट मींस इफ आई ब्रिंग नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, मतलब मैं अगर दो नॉर्थ पोल को पास पास ले आऊं, ठीक है, तो क्या करेंगे? ये रिपल्शन शो करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश शुरू करेंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास ले हूं, तो क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। क्लियर? तो याद रखना है, जब अगर मैं लाइक पोल्स मतलब दो मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स को एक साथ एक जगह पर रख दू, दे विल शो रिपल्शन, दे विल शो रिपल्शन। बट अगर मैं अनलाइक पोल्स या ऑपोजिट पोल्स को साथ में रख दू, ऑपोजिट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्लियर? सही है। बट सिमिलर को रख देंगे साथ में तो क्या करेगा? दिस वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ, दिस वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ फोर्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले टाइप का फोर्स अपन ने पढ़ा, इसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर व्हिच वाज मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो तरीके से लग सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब वो दो बॉडीज पास में भी आ सकती है, रिपल्सिव भी हो सकता है कि हो सकता है कि जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को पास ना हूं तो उसको दूर भेजने की कोशिश करे, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, कि आप क्या किया, आपने बाजार से दो तीन मैग्नेट्स लेकर आए और आपने उन मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मार्क किया, और फिर अपन ने चेक किया कि एक बार अपन नॉर्थ पोल को पास पास लेकर आते हैं, एक बार अपन नॉर्थ पोल साउथ पोल को पास पास लेकर आते हैं और देखते हैं कि किसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और किसके बीच में रिपल्शन हो रहा है। आप इसको अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में नंबर फर्स्ट एग्जांपल इज मैग्नेटिक फोर्सेस।
इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस द सेकेंड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. क्लियर? नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन चार्जेस, ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर मैं एग्जांपल देखना चाहूं अपने डेली लाइफ के अंदर, तो कल अपन ने एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर अपन ने क्या लिया, एक स्केल लिया, अपन ने स्केल लिया, स्केल ऐसा होता है जिससे अपन लेंथ को मेजर करते हैं, तो ऐसा अपन ने एक स्केल लिया, यहां पर इसमें खूब सारी मार्किंग है. स्केल किसका है? प्लास्टिक का है. ठीक है, इस स्केल को अपन ने अपने हेड से रब किया, बालों से रब किया. जैसे बालों से रब करके मैं इसे पेपर पीसेस के पास लेकर जाता हूँ, इसके पास पेपर के पीसेस हैं, ठीक है, पेपर के पीसेस के पास लेके गया, तो ये पेपर पीसेस इससे क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. देखिए आप अगर बिना रबिंग करे पेपर पीसेस के पास लेकर जाओगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. लेकिन जब आप स्केल को अपने सर से रब करते हो उसके बाद पेपर पीसेस के पास लेकर जाते हो तो ये क्या कर जाते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं. क्या शो करते हैं? अट्रैक्शन. नाउ ये अट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से हुआ. दूसरा इसका एग्जांपल क्या होता है, अपन ने एक बलून लिया, अपन ने एक बलून लिया, उस बलून को अपने सर से रब किया, उस बलून को अपने सर से रब किया और वॉल से प्लेस कर दिया. बर्थडे पार्टीज में अपन करते हैं, बर्थडे पार्टीज में अपन ने बलून फुलाया, बलून फुलाने के बाद उसको अपने सर से रब किया, रब करने के बाद दीवार से ऐसे चिपका दिया, तो देखते क्या है कि वो उससे चिपका रहता है. यहां से एक और चीज पता चली, दैट बॉल एंड बलून इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगा, इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगा. आप इस एग्जांपल को भी अपने घर पे कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों एग्जांपल आप घर पे करो. एक बार पेपर पीसेस लो, स्केल लो, अपने सर से रब करो, पेपर पीसेस के पास लेकर आओगे तो पेपर पीसेस उससे चिपक जाएंगे, क्लिंग हो जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली आप एक बलून ले सकते हो, बलून को फुलाओगे, सर से रब करोगे, दीवार से चिपकाओगे तो चिपक जाएगा. लेकिन अगर फुला के डायरेक्ट चिपकाने की कोशिश करोगे तो नहीं चिपकेगा. इसका मतलब दीज टू आर दी एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सबने किया होता है ये वाले एग्जांपल्स घर पे. चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से. किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से. अब चार्जेस आता किसकी वजह से है? चार्जेस आते हैं कुछ पार्टिकल्स की वजह से जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. और जब अपन अपने साइंस के अंदर, जब अपन साइंस के अंदर एटम की स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? एटम की, तो अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है. ठीक है, अभी आपको क्या याद रखना है, दैट इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किसकी वजह से लगते हैं? चार्जेस की वजह से लगते हैं. और चार्जेस की वजह से क्यों लगते हैं, चार्जेस क्यों आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से. क्लियर? अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनकी स्टडी अपन करेंगे एटम के अंदर किसी अलग चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इस टाइप के अपन ने दो एग्जाम्पल्स दिए. अब अपन और देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है. अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और साथ ही साथ रिपल्सिव भी हो सकता है. क्या हो सकता है? रिपल्सिव भी हो सकता है. ध्यान से देखिए, अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है. कैसे? ध्यान से देखिए, चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. क्लियर? अब देखो, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखना. अगर मैं लाइक चार्जेस, कैसे चार्जेस? लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, सेम चार्जेस को साथ में रख लू, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ रख लू, तो सेम जो चीजें होती है ना उनमें क्या होती है? दुश्मनी होती है. वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा और हमेशा क्या शो करेंगे? रिपल्शन शो करेंगे.
मतलब अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में रख दूं और अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को साथ में रख दूं तो दे विल ऑलवेज शो रिपल्शन. क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, दुश्मनी. क्या है? दुश्मनी. दे आर एनिमीज ऑफ ईच अदर. क्लियर? इसीलिए रिपल्शन तब शो करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लाइक चार्जेस को पास में रख दिया जाए. अगर अपन अनलाइक चार्जेस को पास में रखें, किसको? अनलाइक चार्जेस. जैसे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रखूं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के तरफ आएंगे, इनके बीच में क्या शो होगा, अट्रैक्शन शो होगा. और सिमिलरली अपन पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर भी, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, वहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल था. यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, बात सेम है. दोनों में अपन ने पढ़ा कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. ठीक है, दोनों में अपन ने क्या देखा, अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बट सेम और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. क्लियर? चलिए, तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, चार्जेस देख रहे हैं, कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो कैसे बिहेव करते हैं साथ. चलिए, अब मैं आपके डाउट्स लेना शुरू करता हूँ. Mohit, what is the doubt? Mohit, what is the doubt? मोहित, किसी और को करो सर, साउंड ही नहीं यार, बोल ही नहीं रहा कुछ. गुड मॉर्निंग सर. मुझे सर ये गुड मॉर्निंग बोलो बच्चे. सर मुझे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस समझ नहीं आया. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में दोबारा बात करते हैं. देखो अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे पहले किस किस से लगता है, इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्जेस की वजह से. किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से. अब ये जो चार्जेस हैं, ये क्यों आते हैं बॉडी पे? चार्जेस आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ एटम. एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन्स का चार्ज कुछ भी नहीं होता.
ठीक है, याद रखने की बात क्या है कि चार्जेस किसकी वजह से हैं, इन चार्ज पार्टिकल की वजह से चार्जेस डेवलप होते हैं। अब इन चार्ज पार्टिकल की वजह से अपन ने एक एग्जांपल देखा था, जिस एग्जांपल के अंदर अपन ने एक स्केल को सर से रब किया, ठीक है, स्केल को सर से रब किया और पेपर पीसेस के पास लेकर आए। जैसे पेपर पीसेस के पास लेकर आए तो देखा ये पेपर पीसेस क्लिक कर जाते हैं, क्लिंग कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, किससे, स्केल से। ये किसका एग्जांपल देखा अपन ने, ये एग्जांपल बोला अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज ये फोर्स किसकी वजह से डेवलप हुआ, चार्जेस की वजह से डेवलप हुआ। किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से। और चार्जेस यहाँ क्यों डेवलप हुए, बिकॉज ऑफ रबिंग, बिकॉज ऑफ रबिंग। जब अपन ने स्केल को सर से रब किया उसके बाद ये पेपर पीसेस क्लिक होते हैं, क्लिंग होते हैं, उससे पहले ये क्लिंग नहीं होते, उससे पहले इस पर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता। तो याद रखने की बात क्या है, दैट चार्जेस की वजह से यहाँ पर लगा फोर्स, और उस फोर्स को अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है, दैट कैन बी अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव कब होगा, जब अपन लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस को साथ में रख देंगे, जब अपन लाइक चार्जेस या फिर सिमिलर चार्जेस को साथ में रखेंगे, लाइक चार्जेस। जितने भी बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डाउट है देख लो, बार बार एंटरटेन ऐसे नहीं होगा, एक साथ सब लोग समझो, फिर कोई बाइन्यू डाउट होता है फिर अपन उसको आगे देखेंगे। चलिए, तो अट्रैक्टिव फोर्स कब देखेंगे और रिपल्सिव कब देखेंगे। अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आए, रिपल्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के दूर जाएं। अब दोनों टाइप के फोर्सेस कब कब लगेंगे वो देखना है। हमने अभी देखा दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, भाई चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये जब अपन एटम्स चैप्टर देखेंगे तब उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो चार्जेस कैसे टाइप, कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। ध्यान से देखिए, अट्रैक्टिव कब होगा फोर्स, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, और पास में ऑब्जेक्ट्स तब आएंगे जब दोनों के बीच ऑपोजिट चार्जेस हों, दोनों के बीच ऑपोजिट चार्जेस हों। याद रखने की बात क्या है, दैट ऑपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। बट रिपल्शन तब शो करेंगे जब सेम चार्जेस होंगे। मान लो मैंने पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को पास पास रख दिया, जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को पास पास रखूंगा, इनके बीच में क्या है, दुश्मनी है, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, एंड दे विल शो रिपल्शन, दे विल शो रिपल्शन। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चार्जेस नेगेटिव उठा लूं और पास पास रख दूं तो भी ये क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, दुश्मनी है इनके बीच में, दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एक और एग्जांपल अभी अपन ने देखा था, वो एग्जांपल क्या था, इन बर्थडे पार्टीज हम क्या करते हैं, हम बलून्स लेते हैं और उसको सर से रब करके, बहुत बार सब बच्चों ने ये एग्जांपल किया है, बलून लेते हैं, उस सर से रब किया और रब करने के बाद दीवार पे अटैच कर दिया, कुछ इस तरीके से दीवार से जो है बलून वो क्या कर जाता है, क्लिंग कर जाता है, अट्रैक्ट होके चिपक जाता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से डेवलप होता है, चार्जेस की वजह से डेवलप होता है। यहाँ इस केस में चार्जेस कब डेवलप होते हैं, जब अपन रबिंग करते हैं बलून की विद आवर हेड। क्लियर, सो दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, याद क्या रखना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है फिर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके एग्जांपल्स, तो फर्स्ट एग्जांपल वाज मैग्नेटिक फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग बिटवीन मैग्नेट्स और मैग्नेट्स और मेटल्स। फिर अपन ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग ड्यू टू चार्जेस ऑन ऑब्जेक्ट, और चार्जेस कब डेवलप हो रहे हैं, रबिंग की वजह से हो रहे हैं। अभी देखा अपन ने कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उसके अंदर अपन ने क्या देखा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। चलिए,
प्रखर वर्मा। सर सर हाँ बोलो प्रखर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपने कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स बताया था। हाँ जी सर, उसमें आपने बताया था अपोजिट टू मोशन सर। हाँ जी सर, वो समझना है मेरे को वापस। वो समझना है, चलिए माइक ऑन ही रखना सर एक बार इसका। देखो ध्यान से हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं और मैंने फुटबॉल खेलते समय एक बॉल जो ग्राउंड पे पड़ी थी उसको किक किया। जैसे मैं इसको किक करता हूं तो फुटबॉल आगे मूव करने लग जाएगी, ये हम जानते हैं, हम सब फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल को जैसे किक करूंगा कि फुटबॉल आगे मूव करने लगेगी, थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ फुटबॉल कुछ दूर जाके रुक जाती है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली फुटबॉल जब मूव करती रही उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती गई। जैसे जैसे फुटबॉल आगे जाती रही उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती गई। इसका मतलब उस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा था, ये आगे जाना चाहती थी बट वो फोर्स उसको रोकना चाहता था। समझ में आई बात? इसका मतलब बॉल तो कहां जाना चाहती थी, आगे, क्योंकि हमने उसको किक किया आगे, बट कुछ देर बाद रुक जाती है। इसका मतलब कोई तो उसे पीछे खींच रहा है, कोई तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर यहां पर कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्यों फ्रिक्शनल फोर्स? बिकॉज देर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन फुटबॉल एंड द ग्राउंड। देर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन फुटबॉल एंड द ग्राउंड। अब ध्यान से देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसे रोक रहा है तो ऑब्वियसली मोशन था आगे, रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, मेरा दोस्त आगे जा रहा है, उसको रोकना है तो खींचना पड़ेगा ना, पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगा? ऑपोजिट लगा। समझ में आई बात? यस सर। चलिए कर दो सर म्यूट। तेजसव सर। हाँ बोलो सर, मुझे वो समझ नहीं आया जो आपने एग्जांपल दिया था ना कि बलून्स को पार्टी में ऑयल लगा के चिपका सकते हैं दीवार के। ऑयल ऑयल लगा के थोड़ी ना चिपकाने को बोला था। अरे बच्चे, बलून को ऑयल लगा के नहीं चिपकाना, बलून को सबसे रब करना है फिर चिपकाना। सर तो वो चिपक कैसे जाते हैं? चिपकते इसलिए है क्योंकि जब अपन उसको रब करते हैं ना बेटा, रब करते हैं तो वहां पर चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? चार्जेस डेवलप होते हैं। क्यों होते हैं? ये आठवीं क्लास में अपन को पढ़ना नहीं है, लेकिन ये जरूर पढ़ना है कि जब अपन ने रब किया तो क्या डेवलप हुआ? चार्जेस। और चार्जेस जब डेवलप हुए तो चार्जेस की वजह से बलून और वॉल दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स। इसीलिए अपन ने इसको किसका एग्जाम्पल बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल बोला, अट्रैक्टिव फोर्स बोला। क्लियर? याद रखने की बात है, ठीक है। रबिंग की वजह से चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, ऑयल की वजह से नहीं हो रहे। चलिए तो अब अपन नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं सर। भव्य गोस्वामी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो सर, बोलो। ये नेटवर्क सही नहीं आ रहा और आपकी आवाज भी थोड़ी थोड़ी कट कट के आ रही है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल फाइन है। आपको एक ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पर नेटवर्क सही से आए, स्पीड आपकी सही रहे, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके घर के अंदर कौन सा ऐसा कौन है जहाँ पर सबसे ज्यादा नेटवर्क आता है, वहां से बैठ के देखोगे सब कुछ सही रहेगा। यश, यश कसेरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ना वो कॉन्टेक्ट फोर्स है ना उसके अंदर है ना वो बाइक वाला जो आपने एग्जांपल दिया था ना, वो समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से समझा। चलो देखो, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप साइकिल तो चलाते ही होंगे। साइकिल नहीं भी चलाते तो अपन को पता है कि साइकिल काम कैसे करती है। जब तक पैडल मारता हूँ तब तक साइकिल आगे जाती है, पैडल मारना बंद कर दूंगा कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी, ठीक है। तो अपन वही देखते हैं, ये मेरे पास ये साइकिल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पैडल है। अब पैडल जब तक मैं मारता रहूंगा तब तक साइकिल आगे जाती रहेगी। जैसे ही पैडल मारना रोक दिया तो साइकिल कुछ देर तक चलती है फिर रुक जाती है। जैसे अभी फुटबॉल वाला एग्जांपल देखा, किक मारा फुटबॉल को, कुछ देर तक चली फिर रुक गई। यहाँ पर साइकिल के साथ भी वही होता है, पैडलिंग मैंने स्टॉप कर दी है,
गाड़ी की स्पीड, साइकिल की स्पीड अब थोड़ी 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 कम होती रहेगी और कुछ देर बाद रुक जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो टायर्स हैं, इन टायर्स और ग्राउंड के बीच में, रोड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ऑब्वियसली इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जैसा अभी अपने किसके केस में देखा, फुटबॉल के केस में देखा। क्लियर? तो फुटबॉल के केस में जो देखा वही सेम साइकिल के केस में भी हो रहा है। पेडलिंग मारना छोड़ दिया अपन ने, कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मोशन आगे था, बाइक आगे जा रही थी, साइकिल आगे जा रही थी, रुकी है। इसका मतलब किसी ने पीछे फोर्स लगाया होगा, पीछे फोर्स लगाया, इसीलिए अपन ने बोला फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर? तो बच्चों आज अपन ने कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को खत्म कर लिया है। कल से अपन पढ़ेंगे प्रेशर, और प्रेशर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आई होप आप लोग इसको घर पे रिवाइज करते होंगे, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, रिवाइज करो। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।